जेई मेन 2020 के 7th जनवरी का सेकंड शिफ्ट वाले पेपर का एक क्वेश्चन है. कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शंस. रिएक्शन क्या है? बेंजीन की रिएक्शन क्लोरोबेंजीन से करवाई गई एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में डाइफिनाइल. बेंजीन की रिएक्शन Cl2 एक्सेस में करवाई जाती है एनहाइड्रस AlCl3 के साथ डार्क में और हेक्साक्लोरोबेंजीन, ठीक है ना. और बेंजीन की रिएक्शन विनाइल क्लोराइड से करवाई जाती है एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में स्टाइरीन. बेंजीन की रिएक्शन एलाइल क्लोराइड से करवाई जाती है एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में एलाइल बेंजीन, ठीक है ना. अब उन्होंने पूछा विच ऑफ दीज रिएक्शंस आर पॉसिबल. इनमें से कौन कौन से रिएक्शंस पॉसिबल हैं और ऑप्शन है कॉम्बिनेशन में AD BD AB BC एंड D, ठीक है ना. एक एक करके देखते हैं. देखो जहाँ तक ए रिएक्शन ए की बात है, पहली रिएक्शन की जो बात है, तो उसमें ये जो इन्होंने क्लोरोबेंजीन लिया हुआ है ना, ये क्लोरोबेंजीन ये AlCl3 के साथ मिलकर कार्बोकेटाइन नहीं बना पाएगा. AlCl3 का रोल क्या होता है? AlCl3 का रोल ये होता है कि वो RX के साथ AlCl3 मिल जाए और ये Cl- को निकाल कर ले जाए और तब ये बन जाए कार्बोकेटाइन और AlCl4-, राइट. और ये कार्बोकेटाइन हमारे लिए इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है जो बेंजीन पर अटैक करता है. लेकिन क्योंकि यहाँ पर PDCH है, क्योंकि यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ठीक है ना, PDCH पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से ये कार्बन हैलोजन बॉन्ड स्ट्रांग है एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव. And also after removal the carbocation formed here at benzene ring that is called phenyl carbocation will be highly unstable because it will not have any resonance stability, ठीक है ना. तो इसीलिए ये वाली रिएक्शन संभव नहीं है क्योंकि ना तो ये Cl निकल के जाएगा Cl- की फॉर्म में और ना ही बना हुआ कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा, ठीक है. तो फर्स्ट रिएक्शन तो पॉसिबल नहीं है. सेकेंड रिएक्शन के लिए देख लेते हैं. सेकेंड रिएक्शन में इन्होंने कहा है कि ये लेंगे Cl2 और इस पर AlCl3 की रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, ओके है, ये कर लेगा. Cl- को यहाँ लाएगा, Cl+ बन जाएगा जो अटैक कर लेगा. Cl+ इज पॉसिबल, क्लोरीनियम आयन बोलते हैं उसको. तो ये बारी बारी से रिएक्शन करेगा 6 बार, 1 2 3 4 5 6, और तब ये हेक्साक्लोरो बेंजीन बना लेगा, ठीक है ना. ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना. ये रिएक्शन पॉसिबल है. सी रिएक्शन को देख लो. सी रिएक्शन में इन्होंने बेंजीन के ऊपर रिएक्शन करवाई है विनाइल क्लोराइड से. विनाइल क्लोराइड की प्रॉब्लम फिर से वैसी है, ठीक है ना. इसमें भी PDCH है, ठीक है ना. एंड ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिस कार्बन क्लोरीन बॉन्ड समटाइम्स बिकम डबल बॉन्ड एंड बिकॉज ऑफ दिस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर नाउ कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर. सो Cl- रिमूवल ऑफ Cl- फ्रॉम हियर इज डिफिकल्ट एंड दैट्स व्हाई कार्बोकेटाइन विल बी very less stable because to remove this Cl- from here you have to supply a lot of energy which will make the carbocation unstable. तो ये reaction भी possible नहीं होगी, यानी carbocation नहीं बनेगा. और carbocation नहीं बनेगा तो reaction नहीं होगी क्योंकि हमें तो electrophile चाहिए जो reaction करवा सके, ठीक है ना. एक और देख लो जरा, allylic वाला है ये बड़ा बढ़िया है क्योंकि अगर AlCl3 के साथ reaction करवाओ और ये इसको निकाल के ले जाए Cl- को, तो बना हुआ जो कार्बोकेटाइन होगा वो एलाइल कार्बोकेटाइन होगा विच इज रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड. सो दिस इज अ गुड इलेक्ट्रोफाइल फॉर दिस रिएक्शन टू हैव टू टेक प्लेस एंड दैट्स व्हाई दिस इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन बेंजीन रिंग टू फॉर्म दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट. इसका नाम है 2-phenyl propene 1, ठीक है ना, आईयूपैक नेम. तो ये रिएक्शन पॉसिबल है. यानी कौन कौन सी रिएक्शन हमारे लिए पॉसिबल लग रही है? एक तो बी और एक ये डी, ठीक है. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ठीक है. नोट करें आप.